एक जमाना था जब मधुबाला काफी ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी का शिकार हो चुकी थी। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसा मानते थे कि मधुबाला बहुत नकचढ़ी हैं, उनको अपनी खूबसूरती का बहुत नाज है, बहुत घमंड है उन्हें अपने खूबसूरत होने का। बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टार हैं टू वर्क विथ, क्योंकि वो कहीं भी आउटडोर लोकेशन पर शूट करने नहीं जाती थी, 6 बजे पैकअप करके घर चली जाती थी। और मधुबाला के बारे में ये बातें और भी ज़्यादा हो गई बिकॉज बीआर चोपड़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के बावजूद भी मधुबाला ने आउटडोर लोकेशन पर ट्रैवल नहीं किया, इसलिए इंडस्ट्री के कई लोग उन्हें अनप्रोफेशनल भी कहते थे। इसका एक और रीज़न भी था कि मधुबाला का जो पब्लिक रिलेशन था, जो पीआर था, वो काफ़ी ख़राब था, क्योंकि उनका पीआर संभालते थे मधुबाला के पिताजी अताउल्ला खां, जो स्वभाव से काफ़ी अक्खड़ किस्म के इंसान थे। अब ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आया जिन्होंने किसी तरह मधुबाला के पिताजी को पटाया और फाइनली मधुबाला एक आउटडोर लोकेशन पर गई जहां उन्होंने काफ़ी लंबी शूटिंग की और पूरी यूनिट के लिए खाना भी बनाया। वो पूरा इंसिडेंट मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। मैं इस वक्त एक ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूं जिसमें मधुबाला थी, सुनील दत्त थे। ये फिल्म 1959 में रिलीज हुई थी, एक ऐसा वक्त जब हिंदुस्तान बदल रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था इंडिया में, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, बड़े बड़े डैम्स बन रहे थे, कुछ ऐसा ही इस फिल्म में भी दिखाया गया था। इंसान जाग उठा। इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन पर बनने वाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शक्ति सामंत, जो एक साल पहले ही एक सुपर डुपर क्राइम थ्रिलर बना चुके थे कॉल्ड हावड़ा ब्रिज। मैं ये मानता हूं कि इंसान जाग उठा ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि इस फिल्म का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कोई इंसान नहीं है, वो है एक बहुत बड़ा डैम। यस, और उस डैम से जुड़े हुए कुछ सरकारी अफसर और उस डैम से जुड़े हुए कुछ डेली वेज लेबरर्स, उनकी कहानी है। और उसके बाद उसमें कुछ मसाला है, कुछ लव एंगल है। एंड ऐसी कहानी के लिए आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट करना एक स्टूडियो के अंदर। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने इस फिल्म की एक मेजर लोकेशन साइट चुनी, एक रियल लाइफ डैम, नागार्जुना सागर डैम, जो आज प्राउडली खड़ा हुआ है इन आंध्र प्रदेश। लेकिन उस जमाने में, उस समय जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, वो डैम बन रहा था। फिल्म इंसान जाग उठा में जो मेन लड़की का कैरेक्टर था गौरी, उसके लिए शक्ति सामंत चाहते थे कि मधुबाला को साइन किया जाए। उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि 1957-58 जब ये फिल्म शूट हो रही थी, तब मधुबाला इंडिया की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस थी, एक बहुत ही बड़ा नाम मधुबाला। वो अगर फिल्म से जुड़ेंगी तो ऑब्वियसली फिल्म को बेचने में आसानी होगी डिस्ट्रीब्यूटर्स तक। उसके अलावा शक्ति सामंत एक साल पहले मधुबाला के साथ एक सुपर डुपर हिट फिल्म बना चुके थे, हावड़ा ब्रिज। एक और रीज़न था, हावड़ा ब्रिज में शक्ति सामंत ने मधुबाला को एक बहुत ही मॉडर्न लड़की की इमेज दी थी, तो एज अ डायरेक्टर वो चाहते थे कि इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस मधुबाला को वो एक गाँव की गोरी की तरह दिखाएं, एकदम अलग डिफरेंट कर दें उनकी इमेज लोगों के सामने और लोगों को सरप्राइज करें। इसलिए मधुबाला को शक्ति सामंत साइन अप करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मधुबाला तो कहीं बाहर जाती ही नहीं थी बंबई से शूट करने के लिए, और इतने दिन तक आंध्र प्रदेश में रहना, और वो भी उस डैम की साइट पर जहां वो डैम बन रहा था उसके आसपास कोई अच्छे होटल्स भी नहीं थे, तो जो मेकशिफ्ट कमरे थे वहीं पर रहना था सारे क्रू को, वैसी जगह पर मधुबाला का रहना, ये मधुबाला के पिताजी को गंवारा नहीं था। पता नहीं शक्ति सामंत साहब के मैन मैनेजमेंट स्किल्स की चर्चा करें या क्या कहें, कैसे उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बीआर चोपड़ा भी नहीं कर पाए थे। अताउल्ला खां साहब को पटा लिया,
जिन्होंने अपनी बेटी मधुबाला को फिल्म क्रू के साथ आंध्र प्रदेश भेज दिया एक लंबे आउटडोर स्केड्यूल के लिए नागार्जुना सागर डैम की लोकेशन पर, जहां इंसान जाग उठा की शूटिंग होनी थी। जो लोग मधुबाला को एक नाजुक और नकचड़ी एक्ट्रेस समझते थे, उनके मुंह पर एक तमाचा पड़ा, क्योंकि इस आउटडोर लोकेशन में मधुबाला ने बहुत मेहनत की। एक गांव की लड़की के कैरेक्टर में रहकर चिलचिलाती धूप में गर्मा गर्म पत्थरों पर वो नंगे पांव चली हैं और कई बार रीटेक्स हुए, लेकिन हर बार उन्होंने अपना 200% एफर्ट दिया। पहले के ज़माने में जब कोई भी फिल्म का क्रू आउटडोर लोकेशन पर जाता था तो वो एक तरह की पेड पिकनिक होती थी। आजकल तो ज़्यादा वक्त नहीं होता, अलग अलग स्टार्स अपने अलग अलग कमरों में घुसे रहते हैं, लेकिन उस वक्त एक पूरी बड़ी फैमिली की तरह लोग ट्रैवल करते थे और रहते थे। मधुबाला ने इस आउटडोर लोकेशन पर कई बार पूरी क्रू के लिए खाना भी बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस आउटडोर लोकेशन पर जाकर मधुबाला जी को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वो वक्त था जब उनकी पर्सनल जिंदगी अपने लोएस्ट पॉइंट से गुजर रही थी। दिलीप कुमार के साथ रिसेंटली उनकी रिलेशनशिप टूटी थी, नया दौर वाला कोर्ट केस हुआ था, काफ़ी बदनामी हुई थी। बम्बई में अपने पिताजी के साथ रहकर घुटी घुटी जिंदगी जीकर, आई एम श्योर गोइंग टू दिस आउटडोर लोकेशन वॉज अ वेलकम ब्रेक फॉर हर। अगर मधुबाला जी को कुछ अच्छे मोमेंट्स मिले इस फिल्म की आउटडोर लोकेशन पर, या उनकी ज़िंदगी में कुछ नॉर्मल सी आई, तो इसका क्रेडिट जाना चाहिए शक्ति सामंत साहब को। सीरियसली, अगर वो कन्विंस नहीं करते अताउल्ला खां साहब को, तो मधुबाला जी कभी भी बाहर जा नहीं पाती। एंड माइंड यू, शी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक मैगजीन में अपने इंटरव्यू में कहा था कि इंसान जाग उठा की शूटिंग के दौरान मैं पहली बार नेचर या प्रकृति के इतने करीब रही और मैंने हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को देखा। यानी वो रेफरेंस दे रही थी नागार्जुना सागर डैम के बारे में। अगर आपको इस डैम की तस्वीर देखनी है बनते हुए, तो आपको इंसान जाग उठा ये फिल्म देखनी चाहिए। मुझे इस वक्त शक्ति सामंत और मधुबाला से जुड़ी हुई एक बात याद आ रही है, एंड आई नीड टू टेल यू दिस। शक्ति सामंत मधुबाला जी के वेलविशर भी थे, एडमायरर भी थे, कहीं ना कहीं मन ही मन उन्हें पसंद भी करते थे। जिस दिन मधुबाला जी के गुजरने की खबर आई, 23 फरवरी 1969, उस दिन शक्ति सामंत महाबलेश्वर में थे, शम्मी कपूर के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था पगला कहीं का। आप ये जानते हैं कि शम्मी कपूर एक ज़माने में मधुबाला को बहुत पसंद करते थे, बहुत मोहब्बत थी, शादी भी करना चाहते थे। जब मधुबाला जी के गुजरने की खबर आई, तो शक्ति सामंत और शम्मी कपूर दोनों साथ ही बैठे थे। खबर सुनते ही मान दोनों फूट फूट के रोने लग गए। कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि मेरे हाथ में एक टाइम मशीन आ जाए और मैं पीछे वक्त में चला जाऊं। इस वक्त मन कर रहा है कि इंसान जाग उठा उसकी आउटडोर शूटिंग लोकेशन पर अगर मैं जा सकता तो बहुत मज़ा आता। मैं कम से कम वहाँ जाके मधुबाला के हाथ का बना हुआ खाना तो चख लेता। आई मीन दैट वुड हैव बीन समथिंग, इज़न्ट इट? अगर आप एक मधुबाला फ़ैन हैं और इस चैनल पर पहली बार आएँ, देन आई सजेस्ट आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको मिलूंगा इन द नेक्स्ट वन। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। टाटा।